लॉयर्स क्लब के नए बने पदाधिकारियों को क्लब के नियम और कार्यप्रणाली सिखाने के लिए प्री रीजन मीट का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब उच्चैन के अंतर्गत आने वाले क्लबों में हर साल नया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनते हैं। इन नए पदाधिकारियों को क्लब की रीति नीति से परिचित कराने और सेवा गतिविधियों को विस्तार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G2 के रीजन 7 की प्री रीजन मीट का सफल आयोजन रीजन चेयरपर्सन लॉयंस डॉक्टर सतेंद्र कौर सलूजा के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि VDG1 लॉयंस डॉक्टर अजय गुप्ता, विशेष अतिथि VDG2 लॉयंस JPS जोहर एवं अतिथि के रूप में PDG लॉयंस भगवान दास एरन, PDG लॉयंस आनंदकांत भट्ट, PDG लॉयंस RG पाठक, लॉयंस ऑफ उज्जैन के समन्वयक लॉयंस गिरीश जायसवाल उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उज्ज्वलता और राष्ट्रों के समुदाय में इसको चांद के साथ ऊंचा फहराने में सदैव प्रयत्न लायन विश्व प्राप्त है। स्नेह और करुणा के आराध्य थे, शक्तिमान और सर्वज्ञ हो, तुम सबके अंतरवासी हो, हमें उदारता करो। श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से प्राथमिक अंतर शक्ति का वर्तो। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा ने अपनी स्पीच से सदस्यों को सेवा भाव जागृत कर समाज को नई दिशा दिखाने का आह्वान किया है। और VDG2 इंदौर से पधारे हमारे लायन JPS जोहर साहब, हमारे लायन साहब, इस अभिनंदन करती हूँ। गवर्नर दिलीप धारीवाल जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है रीजन चेयरपर्सन की, और मैंने इसको चुनौती इस चुनौती को स्वीकार करके आज इसको पहला कदम रखा है। और मुझे विश्वास है कि मेरे वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और आप लोग के सहयोग से मैं इस कार्य को क्षमता पूरी क्षमता से करती हूँ। साथ ही रीजन के अंतर्गत आने वाले सभी जोन के जोन चेयरपर्सन लॉयन करुणा त्रिवेदी, लॉयन छाया लोखंडे, लॉयन जगदीश अखंड एवं सभी क्लब्स के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं प्रथम उपाध्यक्ष को लॉयन सेवा वर्ष 2021-22 में अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सेवा के लक्ष्य व मापदंड पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन लॉयन डॉक्टर संध्या सक्सेना ने किया एवं आभार रीजन सचिव लॉयन ऋषि राज सिंह अरोरा ने व्यक्त किया। देखिए, मैं लायंस क्लब्स के इतिहास पर एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। ये 104 साल पुरानी संस्था है, जिस जो लगभग 200 देशों में फैली हुई है, और अपने 15 लाख सदस्यों के साथ हम लोग समाज में सेवा के कार्यों को अपने हाथ में लिए हुए हैं। हम लोगों का एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका होता है सेवा करने का। एक ग्लोबल कॉज हम लोग डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, सर्वे करते हैं। तो इस वर्ष, पिछले 2 वर्षों से और इस वर्ष हम 5 क्षेत्रों में मूलभूत रूप से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः एनवायरनमेंट, कैंसर अवेयरनेस, उसके बाद फूड फॉर हंगर, डायबिटीज़ अवेयरनेस और विजन आँखों का, इन 5 क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में लगभग हमारे जो 15 लाख सदस्य हैं, लगभग 15 लाख सदस्य हैं, वो इन्हीं 4-5 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि लायंस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उसका एक बेसिक मूलभूत है कि हर साल उनके पदाधिकारी चेंज होते हैं। हमारा लायनिस्ट केयर 1 जुलाई से शुरू होता है जी। सुरक्षा की दृष्टि से और काम की दृष्टि से हमने अपने जो पूरा क्षेत्र है, जो जैसे आप मान लीजिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 3233G2, इसमें आज करीब 2600 सदस्य है, उसको हमने 9 एरिया में बांटा हुआ है। उसमें उज्जैन का एक एरिया है, उनका एक लोकल रीजनल हेड अपन बनाते हैं, उसको हम रीजन चेयरपर्सन बोलते हैं। रीजन चेयरपर्सन यहाँ पर अभी डॉक्टर मिसेस सरूजा हैं, जो उनके अंडर में काम की दृष्टि से फिर जोन चेयरमैन होते हैं। ये रीजन के अंडर में करीब 12 या 14 क्लब अपन आमंत्रित करते हैं, और उन क्लबों को काम की दृष्टि से संभालने के लिए हमने उनको और विभक्त करके उनके जोन चेयरमैन के नीचे दिए, तो 3 जोन चेयरमैन काम करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी संगठन बिना अनुशासन के एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। अनुशासन बड़ा पार्ट है, और हर क्लब में या हर संस्था में अपना अपना एक तरीका होता है उसको सिखाने का, समझाने का। आज वही दिवस है, लायनिज्म का हमारा सत्र 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज 4 जुलाई के दिन, 4 दिन पहले ही हुए हैं अभी नए सत्र को शुरू हुए,
सभी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष, चार व्यक्ति एक क्लब से लायन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। उनको आज जो सीनियर लायंस हैं, जो हमारे भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हो गए हैं, वो लोग पूरे वर्ष भर किस तरीके से काम करना है प्रशासनिक क्षेत्र से जो रिपोर्टिंग्स होती है उस विषय पे, सबसे बड़ी सेवा के क्षेत्र में कि सेवा के आयाम जो इंटरनेशनल की तरफ से मानक तय किए गए हैं, पर्यावरण है, एड्स है, कैंसर है, इन सब्जेक्टों पर आपको किस तरीके से काम करना है, इस विषय में आज सारे सदस्यों को यहाँ जानकारी दी जाएगी।